ये लोगो भी थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। बाकी मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके बंद कर सकता हूँ, जैसे कि आपने देख लिया है यहाँ पर। और अगर अब मुझे कुछ यूज़ करना है तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस कर सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये चालू हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अब ये चल रहा है, बुझ रहा है। अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा यहाँ पर, तो देखिए बंद हो गया। तो 10 साल से मैंने काम किया है दुकान पे। मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और आपसे सर मुझे 2 दिन में ऐसा पता चला कि अब मैं बहुत फुल मैकेनिक बन चुका हूँ। बन सकते हैं, और ट्रेसिंग आपको समझ में आई है? तो मतलब पहले भी सीखा है सर कहीं पर, तो बस मोबाइल का कॉम्बो वोम्बो और ये सर स्पीकर चेंज करना सिखाया था। पर यहाँ के मामले में कॉम्बो चेंज भी कोई चीज होता है, उसको भी टेस्टिंग किया जाता है और चेक किया जाता है सर। तुमने इससे पहले कभी सर्किट बनाया था क्या? ऐसे कभी नहीं बनाया। कभी नहीं बनाया? और तुमने बिना सर्किट डायग्राम के पूरा सर्किट बनाया, उसका ट्रेस किया, टेस्ट किया सीरीज पैरेलल, क्योंकि उसमें किस किस चीज की नॉलेज होना जरूरी। 8 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप में ये महसूस करता था कि मैं बहुत ही अच्छा टेक्नीशियन हूँ। लगभग 8 साल पहले एक दूसरे इंस्टीट्यूट में मैंने काम सीखा था हार्डवेयर का, पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। सर के पास यहाँ पर आया तो मैंने सर से 3 दिन में ही बहुत ही काफी कुछ सीखने को मिला सर। मतलब अगर आपको डाटा बचाना है और आपको सीखना सही तरीके से फ्लैशिंग, बाइनरी नंबर क्या होती है, सारी चीजें आपने हमें सीखी यहाँ पर। मीडियाटेक का फ्लैशिंग हो या क्वालकॉम का फ्लैशिंग हो या एसपीडी का फ्लैशिंग हो, एमआई की फ्लैशिंग आप कर लेंगे यहाँ पर। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टेंट टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों मेरे पास में एक आईफोन 6s जैसे कि आप देख रहे हो, और हम क्या करना है, हमें इसका लोगो निकाल के एक लाइटिंग लोगो लगाएंगे। ये हमने बुलाया हुआ है अली एक्सप्रेस से। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर अली एक्सप्रेस से माल आता है कि नहीं आता है। अली एक्सप्रेस से जो कूरियर आता है वो आपको मिल जाता है और कस्टमर नहीं फंसता है, पर उसमें वो डिपेंड करता है आपके कूरियर आपके जो दिए गए एड्रेस पर कि कब वो आपको मिलता है, क्योंकि कई लोगों का एड्रेस मैच नहीं करता है, पर वो आ जाता है। तो ये मेरा आईफोन 6s है, और ये यहाँ पे देख रहे हैं जैसे आपको ये चालू है, और हम इसमें एक लाइटिंग लोगो लगाएंगे दोस्तों यहाँ इस फ़ोन में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। सो ये जो लाइटिंग लोगो है ये हमारे यहाँ लगेगा। तो ये हमने बुलवाया हुआ है, इस तरह का कूरियर आया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देवतन अग्रवाल मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, इससे टेलीकॉम इसके। और ये जो हमें मिला है ये आया हुआ है यहाँ पर, अगर मैं इसकी और वैल्यू इसका US डॉलर की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे को 7 US डॉलर में मिला हुआ है, और ये आया हुआ है हांगकांग से। यहाँ पे आप देख रहे हैं हांगकांग से यहाँ आया हुआ है। इसके साथ में ये टूल्स मिले हुए हैं जिनसे हम अपने आईफोन को अनस्क्रू करेंगे। बॉटम जो उसके स्क्रू होते हैं, ये उसके ओपनर होते हैं, और ये इनके 2 ड्राइवर इन्होंने दिए हुए हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक अलग से जो मेरा लोगो है उसको काटने के लिए अलग से मैंने टूल लिया हुआ है, और ये मेरा ट्विजर है पकड़ने के लिए केबल एबल को। सो यहाँ पे मैंने मैट यूज़ किया हुआ है ताकि मैं टेबल को यहाँ पर टेबल पे कुछ भी ना रखूँ, और एक तरह से मेरे पर रेजिस्टेंस यहाँ पर ESD एक मैट है यहाँ पर, ताकि ये मैग्नेटिक और जो हमारे हाथों के फ्लो है उनको यहाँ पर रोकता है। दोस्तों यहाँ पर ये टूल्स मुझे हैं, और मेरे पास में देखिए क्या क्या है। एक ओपनर मिल गया मुझे, ये साइड ओपनर है, एक इस तरह का सेम यही ओपनर है, ग्लास को उठाने के लिए है। यहाँ पे एक सैमसंग कप दिया हुआ है, ये बहुत हल्की क्वालिटी का है। खैर ये टूल में फ्री मिला हुआ है, ये एक लोगों के साथ फ्री मिला हुआ है, तो फ्री है तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, अगर अलग से होता तो हम बोल देते। ये भी ओपनर है, डिस्प्ले ओपनर, तो यहाँ पर भी हम इसको देख सकते हैं। और ये सत्संग कप होता है, ये बहुत सस्ता होता है, ये सक करने के लिए होता है, और हम जो सत्संग कप का यूज़ करेंगे वो हम ये यूज़ करेंगे, ये इसको आइस क्लैक बोलते हैं। ये थोड़ा महंगा आता है, ये हम अपने आईफोन को यहाँ पर कॉम्बो उठाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ में आया था इस तरह का न्यू फ्लैश LED आईफोन लोगो, जो यहाँ पर मेरा यहाँ पर टिक लगा हुआ है आईफोन ICS, ये आईफोन 6s का है, 4.7 ये इसका डिस्प्ले का इंच है यहाँ पर। और ये जो लोगो है अलग अलग कलर में है, न्यू कलर में है, तो इसमें देखिए इस तरह का ये आया हुआ है मेरे पास। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। सो ये मेरा वो LED का पत्ता है जिसके मेरे को इसमें लोगो लगाना है, और ये मेरा लोगो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ये मेरा एप्पल का लोगो है। सो ये एप्पल का लोगो जनरली इस तरह से यहाँ पर लग जाएगा, और हमें क्या करना है, सिर्फ इस LED के ऊपर ये इस तरह के एप्पल के लोगो को रख देना है, ताकि जब ये जले तो एप्पल का लोगो आपको जलता हुआ दिखाई देगा। तो ये इस तरह का रखा होगा, और ये लोगो आपका पीछे इस तरह का आ जाएगा। सो इसको हमें इस तरह से लगाना है, ये आपको दिख रहे होंगे ये LED है, यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा,
और हो सकता है थोड़ा कैमरा ऊपर ऊपर फिर भी मैंने दिखा दिया, ये बटन आपको लगा हुआ है, ये डबल टिक बटन है, अगर इसको प्रेस करेंगे तो इसके कलर चेंज होंगे और ये बंद और चालू भी होगा, मतलब कंट्रोलिंग बटन यहाँ पे दे दिया है। दो LED लगी हुई है, अलग अलग कलर में चलती है और ये इसका सर्किट है। सर्किट में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर इसको चालू करने के लिए इसका जो बैटरी का यहाँ पे सिरा दे दिया है, तो हमें बैटरी और जो हमारे मोबाइल फ़ोन के बैटरी टर्मिनल और बैटरी के बीच में हमें ये लगाना पड़ेगा, और ये जो एक छोटा सा एरिया दिया हुआ है सिरा, ये हमें स्पीकर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही अगर इसमें कॉल आता है, रिंगर बजती है, तो पीछे से LED यहाँ पे जलना चालू हो जाएगी। ये आप नहीं भी चाहो तो कनेक्ट कर सकते, नहीं भी कनेक्ट करना तो नहीं भी कर सकते, पर कनेक्ट करने के लिए एक अच्छी चीज़ है कि कॉल आएगा तो आपका लोगों पर यहाँ पर लाइट चलेगी। सो चलिए, ये हमारे पास सारी चीज़ मिल गई है, इसको हम बाकायदा अच्छी तरीके से रख देते हैं। ये हमारा यहाँ पर यूज़ करने के लिए है, हमें ये अभी यूज़ करना नहीं है। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये मैट काफ़ी फ़ायदेमंद है, आप इसमें अलग अलग जगह पे अपने अलग अलग टूल्स रख सकते हैं, तो जनरली टेबल पे वो चीज़ें फैल जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं पहले सेशन कप का यूज़ करके देखता हूँ कि कितना ये यहाँ पे इफेक्टिव है। तो सबसे पहले मुझे अपने फ़ोन के स्क्रू खुलने पड़ेंगे, तो मैं पहले अपने फ़ोन के स्क्रू ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं राजेश पहुँचने वाले फ़ोन यहाँ रखिए ना, अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं फोन के स्क्रू ओपन कर लेता हूँ। तो ये बहुत पकड़ने में छोटा स्क्रू है, इसलिए क्योंकि एज ए टेक्नीशियन हमें अच्छे स्क्रू की आदत होती है। ये मैंने एक स्क्रू निकाला और ये मैंने दूसरा स्क्रू निकाल लिया है। कितना बड़ा पार्सल? तो ये मेरे दो स्क्रू हो गए, तो मैं दो स्क्रू को मैं इसको रख लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैग्नेटिक भी नहीं है, नहीं तो ये मैग्नेटिक, यदि जो हमारे स्क्रू ड्राइवर होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं, वो इनको चिपक कर दूसरी ओर हम इसको रख सकते हैं। तो मैं इसको रख कर यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि ये स्क्रू घूमे ना। तो ये मैंने स्क्रू तो खोल लिया, ये जनरली इनके साथ इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि नॉर्मल यूज़र भी खरीदते हैं तो वो टेक्नीशियन नहीं होते, तो उनको खोलने के लिए ऐसे ही स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत ना पड़े। सो ये हम इस तरह से ले सकते हैं। कौन सा पार्सल आया? इसको ओपन करना सर। तो यहाँ पर अब मैंने अनस्क्रू कर दिया है। चलिए इसको सत्संग कब से खोलते हैं। सो हमें करना क्या है कि हमें इसको यहाँ पर लगाना है और लगा के इसको प्रेस करना है, तो ये एयर को लॉक कर देता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये सत्संग कप है, हमें सत्संग कप को इसके साथ चिपकाना पड़ता है, ये एयर को लॉक करता है। हमारे आईफोन में जो हम बात कर रहे हैं CCS में, जो हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर होता है वो इस साइड लगा होता है। सो आपको ऐसे पकड़ना है आपको डिस्प्ले, और आपको इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ पे उंगली डालना है और आपको यहाँ से उठाना है बॉडी को। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ से हल्की सी बॉडी उठती हुई दिखाई दे रही है। सो बस जैसी थोड़ी सी बॉडी आपकी उठ जाए, वैसे ही आपको यहाँ पर इस तरह के टूल्स लगा देना है। सो इसको जैसी बॉडी उठेगी यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये बहुत ही सस्ता और टिकाऊ मटेरियल है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा महंगा यूज़ करते हैं जिसमें हम ये यूज़ करेंगे। फिर भी यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल दिखाने के लिए देख रहा हूँ कि यहाँ पर हो जाता है कि नहीं हो जाता। कई लोग यहाँ पर भी कमेंट कर देंगे कि सर हमसे हो जाता है। भाई अब दुनिया में सबसे तो सब नहीं होता ना यहाँ पर। सो इसलिए हमने यहाँ पर उठाया और देखिए, ये हमारी बॉडी यहाँ पे उठ रही है। सो अगर हमको इतना एरिया भी मिल रहा है तो हम इसको यहाँ से इसको पकड़ सकते हैं। तो इतना एरिया मिल रहा है तो हम यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, ये देखिए। तो हम इसको फिर से उठाएंगे, तो ये देखिए, ये हमें इतना एरिया मिल गया है। सो यहाँ से देखिए, जैसे अब इतना एरिया हमारे लिए काफ़ी है इसको उठाने के लिए। तो देखिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नीचे आपके फ्लैक्स केबल होम बटन में फ्लैक्स केबल हो सकता है यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ से उठाया हुआ है, ये देखिए। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे हल्के से आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे ग्लू सा दिख रहा होगा, एक्चुअली यहाँ पे ग्लू नहीं होता है, वो टेप से लगे होते हैं जो कि चुपके होते हैं, और जनरली हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें ये देखिए, ये मेरा यहाँ से आईफोन
सो देख रहे हैं जैसे जो कि हम जब पहली बार खुलते हैं ना दोस्तों, तो आपको इस तरह से मिलेंगे। हालांकि नेक्स्ट टाइम आप खोलेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा। अब आप इसको बहुत सावधानी पूर्वक ऊपर उठाएंगे। सो देखिए ये उठे क्या है, मेरा फ़ोन मैंने बंद नहीं किया था, तो फ़ोन मेरा चालू होगा। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि फ़ोन मेरा चालू है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो फ़ोन की डिस्प्ले मेरी बिल्कुल सही है। अब मुझे सबसे पहले अपने स्क्रू को यहाँ पर बैटरी कनेक्टर वाले स्क्रू को हटाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बैटरी कनेक्टर के स्क्रू को हटा लेता हूँ यहाँ से। स्क्रूटर वाला ना उसका बहुत ही छोटा है। अरे रहने दो, वैसे हो जाएगा, रहने दो। तो ये तुम लोग लेके जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने स्क्रू खोल लिया है और ये स्क्रू मैंने यहाँ रख दिया इसके साथ, और ये स्क्रू भी निकाल के यहाँ रख दिया। तो सबसे पहले मैंने बैटरी कनेक्टर की बैटरी की यहाँ पर ये हटा दी है, ये हटा देते हैं। ये देखिए रिमूव हो गई है दोस्तों जब आपने, और यहाँ से मैं बैटरी अपना निकाल देता हूँ। सो यहाँ पर ये मैंने बैटरी निकाल दिया, तो मेरा फ़ोन कम्प्लीटली अब बंद हो गया होगा। अब इसको निकाल के भी मैं अपने पास में साइड रख लेता हूँ। अब मुझे डिस्प्ले को निकालना है क्योंकि मुझे बोर्ड में काम करना होगा, तो डिस्प्ले इस तरह से मैं पकड़ नहीं सकता। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले को निकालूँगा, तो ये स्पीकर को निकाल खोल के जा करना है, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम निकालेंगे अपनी बैटरी। तो बैटरी निकालने के लिए राजेश फैलकन लेके आओ। तो देखिए बैटरी आपको आईफोन की निकालनी है, तो आईफोन की बैटरी नीचे से डबल टेप से चुपकी होती है। सो आपको यहाँ पे आपको टेप दिखाई दे रहा होगा, सो इस टेप को आपको खींचना होगा। पहले आप ये वाले टेप को निकालोगे, ये डबल टेप होता है आपका, ये जैसे कि आप देख रहे होंगे ये टेप आपका खींचेगा। आपको डायरेक्ट बैटरी आप खींचोगे तो आपकी बैटरी आपकी खराब हो सकती है दोस्तों। अच्छा, आपको इसको बैटरी पकड़ना है और पकड़ के आपको इस तरीके से खींचना है। जनरली कई बार ये अंदर ही छूट जाती है तो बहुत दिक्कत चली जाती है। हम कोशिश करेंगे कि हमें बैटरी मिल जाए, बाकी नहीं तो हमें आईपीए का और या तो हम फैल्कन का यूज़ करेंगे। अब देखिए जैसे इसकी यहाँ पे हम खींच नहीं पाए, ये देखिए बहुत बढ़िया। तो ये देखिए हमारे पास आ गई, ये देखिए, तो इसका डबल टेप आसानी से निकल गया है, डबल टेप आसानी से निकल गया। सेम ऐसे ही दूसरी बैटरी का डबल टेप निकालेंगे, और सेम ऐसे ही दूसरी बैटरी का निकालेंगे। तो हमें ये यहाँ से इसको खींचेंगे, क्या होता है जनरली लोग है ना बिना इसको खींचे साइड से बैटरी को निकालते हैं और बैटरी टेढ़ी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो आप प्रॉपरली काम करें, अगर आपको सीखना है तो आप यहाँ आ सकते हैं इसे टेलीकॉम मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये है जबलपुर मध्य प्रदेश। आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करें, आपको मिलेंगे राजेश गुप्ता। आप हमारे दोस्तों हार्डवेयर भी सीख सकते हैं बेसिक से एडवांस, जैसे हम ट्रेसिंग सिखाते हैं बिना सर्किट डायग्राम के कैसे ट्रेस करें। दूसरा, आप यहाँ पर EMC क्लास अगर आप सीख रहे हैं, टेक्नीशियन हैं, तो आप EMC क्लास भी आप सीख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये हमारी आधी बैटरी तो निकल ही आई है, हमें यहाँ पे कनेक्टर चेक करना है, ये देखिए। तो ये रही हमारी बैटरी और ये निकल आई, बहुत इजीली एंड सेफ मोड में हमने बैटरी निकाली है। ये हमारा यहाँ पे लोगो लगा हुआ है जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर। सो अब हम इस लोगो को निकालेंगे, तो हम लोगो को निकालने के लिए हम टूल जो यूज़ करेंगे, देखिए सर्जिकल ब्लेड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ऊपर के टेप निकालेंगे जो हमें लोगो को चिपकाए रखे हैं। तो ये हमने पहला टेप यूज़ कर लिया है, हम अलग से टेप लगा सकते हैं अगर आपके ख़राब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लोगो को चिपकाने के लिए लगाते हैं।
और फिर अब हम एक यहाँ पे टेप लगाएंगे, ये टेप यूज करेंगे। तो ये टेप निकल जाने के बाद चलिए, तो अब हम इस लोगो को हमें निकालना होगा। तो इसको हमें जनरली काटना होगा दोस्तों, सावधानी पूर्वक काम करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देखिए ये लोगो हमारा निकल आया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मेरा लोगो है, पीछे से गंदा हो चुका है। चलो लोगो को भी साफ कर लिया जाए और चमका लिया जाए। इसको हम बाद में भी रीयूज कर सकते हैं इस लोगो को। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लोगो निकला है सेफली, जैसे कि आप देख रहे हैं। हालांकि इसमें हमें नया लोगो लगाना है, और हमारा नया लोगो है ये। देखिए यहाँ पे हमने लोगो लगा लिया है, ये हमारा लोगो आप देख रहे होंगे, पीछे से हमारा लोगो को इस तरह का दिखाई दे रहा है। चलिए लोगो को एक्टिव करते हैं। सो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको रखना पड़ेगा। देखिए पोजीशन कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और खोलनी है अपना, यहाँ पर रिंगर हमें खोलना पड़ेगा। पहले हम इसको इतना ही एक्टिव करके देखते हैं कि किस हिसाब से ये बैठ रहा है और हमारा किस हिसाब से काम कर रहा है लोगो। सो यहाँ पर हमने ये बिठाया हुआ है। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा हल्का सा मोड़ सकते हैं, पर दोस्तों कई बार क्या होता है ये मोड़ने पे है ना, ये स्ट्रिप में ट्रैकें ब्रेक हो जाती हैं, तो मैं इसलिए आपको कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ना मोड़िए इसको। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो ही काम कीजिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो काम मत कीजिए। अब हम इसमें बैटरी बिठाएंगे। ये आपकी बैटरी कनेक्टर के साथ मैच करना चाहिए। ये देखिए ये बैटरी कनेक्टर है हमारी, ये देखिए ये हमारा लोगो चालू हो गया है। इसको हम लाइट बंद करके दिखाते हैं आपको यहां से।
ये देखिए दोस्तों, ये आपको हमारा लोगो दिख रहा होगा अलग अलग कलर में। ठीक है, यहाँ पर हम डबल टैप करते हैं, ये देखिए, सो ये अलग अलग कलर दे रहा है यहाँ पर। चलिए इसको अभी हम पूरा इंस्टॉल करते हैं। हाँ, बट ये इंस्टॉल करना पड़ेगा कि जो हमारा जो उसका बटन है जो हमारे केबल पे लगा हुआ है वो हमारे लोगों को टैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको दबाने पर देखिए जैसे यहाँ पे ये मैंने दबा दिया है तो ये रुक गया है। अगर मैं और दबाऊँगा यहाँ पर प्रेस करता हूँ उसको, सो ये चेक करना पड़ेगा कि वो बटन प्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या ठीक, सो ये जैसे हमारा लोगो इंस्टॉल हो चुका है, ये हमारी बैटरी लग गई है बिल्कुल सही तरीके से, ये देखिए ये बंद हो गई है यहाँ पर। अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ यहाँ पर, चलिए इसको चेक करते हैं सही तरीके से इंस्टॉलेशन हुई है कि नहीं हुई। अच्छा, देख रहे हैं जैसे कि ये बैटरी कनेक्टर के ऊपर बैठा दिया हमने, ये भी एक सही तरीका है। ये देखिए अब आप ये लोगो चेक कर रहे होंगे, अब ये देखिए आप लाइटें देख रहे होंगे, मेरा आपको लाइटें दिख रही होंगी, तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप पहले बैटरी पे बिठा दीजिए उसको। अच्छा, तो इसमें ये बटन है, ये बेसिकली बटन ये टचेबल है, ये काम करती है और हो सकता है कि जब हम इसको लगाएं तो ये प्रॉपर वर्क करे। तो चलिए अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, बैटरी के हमारे वोल्टेज अननेसेसरी जाएंगे। अब सबसे पहले हमें रिंगर ओपन करना पड़ेगा, सो रिंगर ओपन करते हैं। तो आपने ये दो स्क्रू ओपन करने हैं, सर थोड़ा आ गया। अब हमने अपने स्पीकर निकाल लिया है, ये हमारा रिंगर है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लाइटिंग केबल मेरी सॉरी ये मेरा लाइटिंग केबल जो है ये मेरी इस तरह की लगी होती है। तो एक मैं ये भी लगा लूँ क्योंकि यहाँ पर इसका कोई उचित नहीं है, एक मैं ये भी लगा ही लेता हूँ। तो एक केबल ये मेरी जा रही है, ये मुझे अलग से लेनी है। तो ये मेरा इस तरह से लगा होगा, ये देखिए ये मेरे फिट हो गया है। तो यहाँ पे मैं इसको भी पैक कर ही देता हूँ। मैंने ये भी पैक कर दिया है, एक मैं ये वाला भी पैक कर ही देता हूँ इसके साथ। तो ये देखिए ये भी पैक हो चुका है। मेरे यहाँ पर जो स्क्रू मेरे यहाँ बचे हुए हैं वो मैं यहाँ के पैक कर देता हूँ। ये मेरे स्क्रू यहाँ पे चले गए, ये स्क्रू मैंने, ये जनरली क्या है, मैं खुलने से ले पड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ रीज़न, कि हमें स्पीकर का एक टिप्स करंट करना था। चले तो मेरे सारे स्क्रू लग गए हैं यहाँ पर, आप जैसे कि देख रहे होंगे मेरा लाइटिंग लोगो है, तो ये यहाँ पर मैं हटा दे,
जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमें ऐसा ही स्पीकर कनेक्ट करना है, ये दोनों तरफ से कंडक्टिव है और जनरली हम यहाँ पर इस तरीके से स्पीकर यहाँ पर रखेंगे। अब हमें स्पीकर को लगाना है, मतलब अब हमें यहाँ पर स्पीकर बिठाना पड़ेगा। तो उसके बाद में हम फिर यहाँ पर हम इसकी सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसको ये देखिए, ये मेरा बैटरा है, तो यहाँ पर ये मेरा बैटरा है, यहाँ पर हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। चलिए तो ये स्पीकर, ये देखिए ये बैठ गया, ये देखिए ये मेरा चालू हो गया यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे स्पीकर बिठाएंगे। तो अब स्पीकर बिठाने के लिए हमको स्पीकर और इन दोनों के बीच में दोस्तों में ये बैठाना है। तो यहाँ पे स्पीकर की इस केबल को, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको ये अननेसेसरी हमें ये हटाना पड़ा, तो यहाँ पे हम कटर का यूज़ करके इसको हटा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर स्पीकर बिठाएंगे, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये स्पीकर बैठेगा। बस हमें ये इंश्योर करना है कि नीचे हमारी केबल कनेक्ट हो रही है होगी कि नहीं। ये देखिए ये बैठ गया, तो मेरी केबल भी कनेक्ट हो चुकी है, स्पीकर भी बैठ गया है। अब हम वापस स्क्रू लगाएंगे। चलिए तो ये हमारे स्क्रू लग गए हैं, सारे स्क्रू हमारे टाइट हो चुके हैं। अब हमें अपना डिस्प्ले बैठाना है और हम पहले ये लगा लेते हैं, ये हमारा रिंगर का कनेक्टर है। सो ये रिंगर का कनेक्टर बैठ गया, अब हम अपना ये कनेक्टर बैठाएंगे। उसके बाद पूरी चलो चेक कर लेते हैं, हमारा डिस्प्ले देखिए हमारे यहाँ पे डिस्प्ले तैयार है। अब हम अपना डिस्प्ले बैठाएंगे। और हम पीछे नीचे टेपिंग कर सकते हैं दोस्तों, मैंने हालांकि भी टेपिंग नहीं की है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा तैयार हो गया है।
सर वो एक कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होगी सर। कौन सा कैपेसिटर? इसमें जो लगे नहीं रे पगले। ये हमारा लाइटिंग लोगो बंद हो चुका है, तो यहाँ पर मेरा लोगो भी चल रहा है और ये मेरा काम भी हो गया, मेरा फ़ोन बंद हो गया है और ये लोगो भी थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। बाकी मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके बंद कर सकता हूँ जैसे कि आपने देख लिया है यहाँ पर, और अगर अब मुझे कुछ यूज़ करना है तो मैं इसको लॉन्ग प्रेस कर सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये चालू हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अब ये चल रहा है, बुझ रहा है, अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा यहाँ पर तो देखिए बंद हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने देखा हो ये एसर टेलीकॉम का एक ऑफिशियल वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि लोगो कैसे लगाना है। यहाँ पे हमने वीडियो को थोड़ा स्किप किया होगा फ़ोन खोलने और बंद करने में, क्योंकि ये नॉर्मल टेक्नीशियन है, अगर आपको ये सीखना है तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखना हमने किस तरह से सही एक हमने आपको टूल्स बताए, कौन कौन से टूल्स हमें यूज़ करने चाहिए, हमने आपको मैटिंग बताई, हमने तरीके बताए। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने आईफोन में इस तरह का लोगो लगा सकते हैं, और लोगो लगाना है अगर आपको ये ख़रीदना है तो नीचे मैं इसके लिंक दे दूँगा, ये आपको मिल जाएगा अली एक्सप्रेस से, और थोड़ा आने में टाइम लगेगा। और अगर इस तरह का आपको काम करना है तो आप बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं, आप यहाँ पे आइए इसे टेलीकॉम में, और यहाँ पे आपको आने के लिए जो नीचे दिए नंबर पे आप उसको कॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम आपको जो ट्रेनिंग आपको हम देंगे मोबाइल फ़ोनों में, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा, यहाँ पे कुछ भी लिखाने का काम नहीं होता है। तो दोस्तों आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, हर महीने का 28 तारीख का बैच लगता है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है, और इसमें सिर्फ बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है, या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को ख़रीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एसर टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू एसर ना है सरन जी, नवीन बुक जो है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए, ये 10 तक लॉन्च झालेला आहे, हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल, या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय, कंपोनेंट लेवल हरे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एसर टेलीकॉम सर्च करें, एसर टेलीकॉम लिखें, और एसर टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इसको इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.